नमस्कार आप सभी का लव इन चैनल में स्वागत है तो क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका डिवाइन मस्क का सोल पर्पज क्या है ये आप जानना चाहते हैं यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों ही हैं ठीक है ठीके? आपको मालूम है और आपका पार्टनर भी तो सेम जर्नी में है तो इसलिए आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि जो हमारे साथ हो रहा है जो हमारी फीलिंग्स है उसको भी वही फीलिंग्स है की नहीं जी हाँ सेम फीलिंग्स होती है सेम अनकंडीशनल लव होता है वो भी तो आपको उसी तरह से चाहते हैं जैसे आप दिखते हैं जैसे आप हैं जैसे आपकी आदतें हैं जैसे आप बोलते हैं वो ये तो, आपको चेंज तो नहीं करना चाहते कि तुम तुम बदल जाओ ना तब हम तुम्हें प्यार करेंगे ऐसा तो नहीं है ना वो प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी जो डिवाइन फेमिनेंस होती फेमिन उनके अंदर ये रहता है कि नहीं हमें कुछ क्लू दो हमें कुछ प्रूफ दिखाओ हमें कुछ बोल के बताओ कुछ एक्सप्रेस करो बस उसी चक्कर में हम पढ़े रहते हैं और आज का दिन जाता है कल का दिन भी जाता है कई महीने कई हफ्ते निकल जाते हैं और फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं हम अपने माइंड में कि वो वाकई हमें प्यार करते हैं कि नहीं ये वाकई हमारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं क्या ये वाकई ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं और क्या ये वापस ढंग से हमारे को अप्रोच करेगा कि नहीं हमारा फ्यूचर का क्या है हमारा एंड रिजल्ट क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का ये सब हम सोचते रहते हैं तो देखिये इतना ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है यस इट्स अ सोलो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन जी हाँ इस जर्नी में आप चाहे कितने भी साल से इनके साथ रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम अभी आपने मीट किया है वो भी आप अगर मैरिड हैं सोलमेट से तो भी घर परिवार अच्छा चल रहा है लेकिन ट्विन फ्लेम मिल गए या दोनों ही अनमैरिड हैं तो भी इस तरह से मिल जाते हैं या इनके साथ शादी होने वाली थी इनको ये आपको देखने के लिए आए हुए थे और फिर आपको लगा कि नहीं इनके साथ नहीं हो सकती या उन्होंने कुछ बात नहीं बनाई आगे तो बात कहीं और चलने लग गई है लेकिन ट्विन फ्लेम का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा जो देखने आए थे तो इसी तरह से कंडीशन की बात करी है मैंने तो ये सिचुएशन है सिचुएशंस कुछ भी हैं बस आपने लेबल लगा के नहीं चलना है मेन चीज ये है कि आपको ये मालूम है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इस चीज के पीछे बिल्कुल मत पड़िए कि भाई उसे भी पता चलना चाहिए हम ट्विन फ्लेम है अगर उसे पता चल गया तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा होता है क्या नहीं कई बार वो ये भी सोच सकते हैं कि तुम तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तुम क्या ये लेबल लगा के चल रहे हो ऐसा है वैसा है ऐसा कुछ नहीं होता है हम इंसान हैं हम प्यार करते हैं आज में रहो आज को सोचो आज को एक्सपीरियंस करो क्या बार बार बाग आगे की सोचती हो तो इस तरह से आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनका फ्रस्ट्रेट होना भी सही है क्योंकि वो आज में जी रहे हैं और आपको एक सही सलाह दे रहे हैं आपका सोचना भी सही है क्योंकि आप फ्यूचर का सोच रहे हैं लेकिन यही बात है फ्यूचर का हर समय नहीं सोचना चाहिए उन अगर आपने देखिए सिंपल बात है अगर आपने कुछ सीखना है तो से सीख लीजिए उनके ट्रिगर होने से सीख लीजिए क्योंकि लेबल लगा के ये जर्नी चलेगी नहीं अब उन्हें पता भी चल गया चलो जी हाँ जी ठीक है उन्होंने मान भी लिया कि हाँ हम ट्रेन फ्लेम है अब आगे क्या अब आगे क्या अब अगर दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड है तो आगे यानी कि ये फाइव डी की, की जर्नी है ठीक है अब आप कह रहे हैं थ्री डी में भी तो कुछ हो जाए तभी तो कुछ मजा आए ये वाली बात है नहीं ऐसा नहीं है ये मजे वाली जर्नी नहीं है कि मजे लेने जिंदगी के मजे तो फिर किसी और तरीके से लिए जाते हैं आपने जिंदगी में मजा असल में लेना है तो आंतरिक शांति को पाकर ही होगा सिक्स सिक्स पोर्टल में कुछ खास था जी हाँ तो इसी उपलक्ष्य में छह जून से लेकर बारह जून तक आपको फी में डिस्काउंट किया गया है तीन सर्विसेज हैं पहली है टेरो कार्ड रीडिंग दूसरा है सिंपली कंसल्टेशन और तीसरा है ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी आप सबके रिक्वेस्ट पर ही छह महीने बाद फिर से डिस्काउंट कर दिया गया है तो इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी ही ग्रैप करें स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करके पता करें आंतरिक शांति किस तरह से मिलेगी वो मिलेगी आपको अपने अंदर झांकने से स्टिलनेस में ही आपको सब कुछ दिखेगा एक पानी स्टिल है तो उसमें आपको परछाई दिखेगी या जो नदी बहरी है उफनती हुई उसमें आपको अपनी परछाई दिखेगी नहीं दिखेगी ना तो जो स्टिल होगा उसी में दिखेगी यानी कि जितना आप कूल काम ब्लेस्ड एंड ग्राउंडेड होंगे उतना ही आप समझ पाएंगे अब आप कहोगे कूल काम ग्राउंडेड हम बने कैसे ये कैसे होता है क्या है ये बला एक्चुअली जो कुछ है वो इनरवर्क अनकंडीशनल लव है सबसे पहले अपने लिए इनर वर्क को लोग कोर्स बना के बेच रहे हैं ना वो मुझे तो समझ में नहीं आता अगर आपने कोर्स किया है तो क्या आपको समझ में आया आप ये बताइए जो बेच रहे चलो बिजनेस है आपने जो सीखने के लिए गए तो आपने क्या सीखा अगर आप नहीं सीख रहे अगर आपकी एनर्जी वही है अभी भी आप वीडियोस में ही अटके पड़े हैं अभी भी आप टैरो रीडिंग में अटके पड़े हैं अभी भी आपको लगता है कि क्या है ये जर्नी डाउट्स हैं बहुत सारे तो भी तो ये एक इनर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ ना तो मेन चीज ये है कि आप ह्यूमैनिटी सर्विस में लग रहे हैं कि नहीं आपका जो डिवाइन मस्किलइन है वो यही कहते हैं प्रेजेंट में जी लो प्रेजेंट टाइम को एंजॉय कर लो अभी अच्छा चल रहा है तो चलो और फिर हम अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे देखिए कई लोगों को सोल पर्पस में भी बहुत भ्रांति है इल्यूजन है मिथ है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जब तक आएगा नहीं तो हम सोल पर्पस कैसे पूरा करेंगे जो भी डिवाइन फेमिनेंस रहे हैं उनको यही लगता है वो एक बार आ जाए ना उसके साथ रियूनियन हो जाए तो फिर हमारा सोल पर्पज स्टार्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है सोल पर्पज तो आपका कई बार बचपन से ही शुरू हो चुका होता है चाहे वो किसी को हीलिंग देना हो प्यार मीठी बातें करना हो किसी को मोटिवेट करना हो अम, किसी भी तरीके से कोई भी काम अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही करना है इस चीज के लिए आप अंदरूनी शक्ति है ये अंदरूनी इच्छा इंट्यूशन है अंदरूनी इच्छा है आपकी अगर आप किसी से जलते नहीं है ना तो आप किसी से कभी उम्र भर नहीं जलेंगे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि ओह मेरे अंदर ये भावना आ जाए कि मैं मैं वो मुझसे अच्छा क्यों अगर आप कभी नहीं जले ना किसी से जलेसी वाली फीलिंग नहीं हुई ना बस तो फिर किसी से नहीं होगी मजे से चलते रहिए एक तो फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा तो आपने जीत ली जंग जलेसी ही तो सबसे खराब चीज है जो कि, कि आगे नहीं बढ़ने देती खुद को खुद को ही आगे नहीं बढ़ने देती अपने पैरों पर जंजीर बांध लिया आपने जलेसी करके वो ज्यादा ऐसा सोच के ऐसा तो मैंने भी तो कभी नहीं सोचा कि उसके ज्यादा मार्क्स आ गए या, या वो मैं तो अपना चलती रहती हूँ आप खुद ही देखिए मेरा चैनल भी है तो मेरे जब मन जो करता है जैसा वीडियो बनाने का मैं वैसा बनाती हूँ मैं ये नहीं देखती किसका क्या है चल रहा है ना तो हमने हम यहाँ पर एक यूनिक पर्सनैलिटी है आप यूनिक है मैं यूनिक हूँ मेरा अगर मेरे जैसा ही कोई और है जो इसी तरह का काम कर रहा है वो यूनिक है वो अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम करें आप अपना काम करें सबके अपनी अपनी स्टेज अलग है हम यहाँ पर अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं तो अपना सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए आपका अपना क्या है इंडिविजुअल सोल पर्पस ये मिथ दूर कीजिए कि वो आएगा ना तब होगा शुरू ठीक है तो अपना अपना काम करते रहिए अपना इन्होव करते रहिए आपके अंदरूनी शक्ति किस में है आपका सोल पर्पस किस में जागृत होता है आपका सोल किससे खुश होती है किससे ज्यादा आपको प्रसन्नता मिलती है कोई ऐसा काम कोई ऐसा पैशन जिसमें कि आप चौबीस घंटे रमे रहें तो बहुत अच्छा रहे ऐसी चीज को ढूंढ निकालिए ठीक है थीके? और उसके बाद फिर उस काम में लगे रहिए उसके लिए वैलिडेशन मत चाहिए हम तो ये कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा अब यही गड़बड़ है अब अगर यही चीज अगर आपने समझ ली तो इनर वर्क आपका आज से ही स्टार्ट हो गया हम तो खुश हैं वो तो खुश नहीं होता हम दुखी हैं तो वो क्यों नहीं दुखी होता उसको क्यों नहीं पता चलता बस ये जब आप खुद को देखते हुए दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं ना बस वहां गड़बड़ है जब आपको ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा जब ये उंगली उठनी बंद हो जाएगी ना तो समझ लीजिए वर्क आपका परफेक्ट वे में चल रहा है ये बात है तो अपने आप से प्रेम करें अपने आप को माफ भी करें कई बार हम प्रेम भी करते हैं तो और हम सोचते हैं ओह हम तो इम्पैथ हैं हमसे तो गलती कभी नहीं होनी चाहिए जाने अनजाने में कोई नेगेटिव गर्मा नहीं होना चाहिए ओहो तो नेगेटिव गर्मा हो गया ओह अब क्या करें इतना घबराने की क्या जरूरत है जिंदगी में गलतियां भी होती रहेंगी और अपने जीवन को जीते चले जाइए जिसने जो आना है वो आएगा जिसने जाना है वो जाएगा हम किसी को रोक नहीं सकते बस इसी भाव के साथ यही तो है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना अच्छे और बुरे को भी एक्सेप्ट करने का कोई बुरा व्यक्ति आया ना आप सीख लीजिए कि इससे मैंने क्या सीखा फिर उसको जाने दो कोई अच्छा व्यक्ति आया उससे भी देखो कि क्या सीखा वो जाना चाहता है जाने दो रहना चाहता है रहो प्यार से ये बात है तो डीएम का भी अपना सोल पर्पस होता है डीएम भी चाहते हैं कि आपके साथ हो जब आपका री हो जाएगा ना तब आप मुझे बताइएगा कि हाँ री हो गया है अब वो भी कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा जो कॉमन इंटरेस्ट है ना उससे हम कुछ काम करते हैं कि दुनिया को क्या सर्विस दें ये बात तो बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो और आपने कुछ सोच रखा है दुनिया को कुछ देने का आपने अंदर का स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को दुनिया को सर्विस करने का कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है तो शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए इससे क्या रहेगा अपनी कमिटमेंट भी होती चली जाएगी हाँ मुझे ये करना है दूसरा भी कहेगा अच्छा मुझे भी ये करना चलो कुछ करते हैं यस थैंक यू सो मच धन्यवाद नमस्कार